तो जैसे कि पोषाहार वितरण के लिए आप लोग को आदेश आ चुकी है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि गर्मी के कारण यानी कि ज़्यादा लू के कारण जो है आप लोग को जो है 29 मई से लेके आप लोग को जो है 8 जून तक आप लोग को आंगनबाड़ी बंद कर दी गई है। इसमें जो है आप लोग को गृह भ्रमण के दौरान किस तरह से जो है आप लोग को THR करनी है, क्योंकि आप लोग को जो है इसमें आदेश दी गई है कि 300 दिनों के लिए यानी कि जो है 300 दिनों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण करना बाध्यकारी है। तो ये आप लोग को जो है लेटर जारी की गई है ICDS से। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, और जितने भी आंगनबाड़ी सेविका नए हैं या पुराने आंगनबाड़ी सेविका है इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग को अगर आंगनबाड़ी बंद है बिहार में तो आप लोग को जो है कैसे चलानी है, और गृह भ्रमण के दौरान आप लोग को क्या क्या काम करनी है, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि कल ही का लेटर जारी किया गया है और संचिका संख्या जो है 3416 आप लोग को दी गई है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे निर्देशक में आप लोग देख सकते हैं ICDS दिया गया है। यहाँ पे सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सिर्फ बिहार के लिए दिया गया है। इसमें जो है आप लोग देखेंगे तो विषय जो दिया गया है पोषाहार वितरण करने के संबंध में, यानी कि जो है पोषाहार वितरण के संबंध में, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो है आंगनबाड़ी जो बंद रहेगी यानी कि 8 जून तक, उसमें जो है आप लोग को गृह भ्रमण के दौरान किस तरह से जो है THR यानी कि जो है पोषाहार वितरण करनी है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और क्योंकि आप लोग को पोषण ट्रैकर पर भी काम करनी होती है, तो ये तो आप लोग को पता ही है कि कल आप लोग को बताए थे कि आप लोग को जो है आंगनबाड़ी खोलनी है, उसमें जो है गृह भ्रमण के दौरान जो है आप लोग को जो है पोषण ट्रैकर पे जाके वहाँ पे क्या करनी है कि होम विजिट में जितना भी लाभार्थी आए आप लोग उसको वीडियो दिखा के आप लोग जो भी काम कार्य है आप लोग करेंगे। इसमें और भी जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे महाशय उपायुक्त विषय प्रासंगिक पद के द्वारा लू एवं भीषण गर्मी के बचाव हेतु राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालन दिनांक 8/6/2024 तक स्थगित किया गया है। यानी कि आप लोग को भी पता है कि 8/6 तक जो है आप लोग को आंगनबाड़ी बंद रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्ष में 300 दिन यानी कि जो है 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्र का पोषाहार वितरण करना बाध्यकारी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 300 दिनों के लिए जो है आप लोग को बाध्यकारी हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग को किस तरह से जो है आप लोग को वितरण करनी है यहाँ पे देख रहे होंगे। अतः सामान्य में विचार उपरांत दिनांक 8/6/2024 तक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे की उपस्थिति नहीं होगी, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 8/6/2024 तक जो है आप लोग को बच्चे को उपस्थिति नहीं करना है, किंतु सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थिति यानी कि जो है आप लोग देख सकते हैं कि सेविका और सहायिका जो है केंद्र पर उपस्थिति रहकर अन्य सभी गतिविधि को जो है संचालित करते हुए गृह भ्रमण के द्वारा जो है यानी कि गृह भ्रमण के माध्यम से जो है THR एवं खाद्य सामग्री लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को पता ही है कि आप लोग को जो भी जैसे कि 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे को जो है आप लोग को जो भी खाना पका हुआ खाना खिला रहे थे, तो जितना दिन आप लोग ने जो है नहीं खिलाएंगे उसको जो है आप लोग देख रहे होंगे कि THR के माध्यम से यानी कि आप लोग को गृह भ्रमण के दौरान जो है THR के माध्यम से जो है खाद्य सामग्री को जो है लाभुक तक जो है आप लोग को पहुँचानी है। बाद बाकी आप लोग को जो भी इसका न्यूज़ आती है तो आप लोग को जो है मिलते रहेगी, लेकिन आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि अब आप लोग को जो है आंगनबाड़ी जो है आप लोग को जो है 8/6/2024 तक जो है स्थगित रहेगी, और इसमें जो है आप लोग को 8/6/2024 तक जो है सभी आंगनबाड़ी क्षेत्र में यानी कि अपने पोषक क्षेत्र में जाके आप लोग को जो है THR के माध्यम से यानी कि गृह भ्रमण के द्वारा जो है THR खाद्य सामग्री आप लोग को पहुंचानी है। बाद बाकी आप लोग को जो है किसी भी प्रकार का न्यूज़ आती तो आप लोग को बताते रहेंगे। बाद बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू।